स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 1 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ के अंदर जो टॉपिक्स आए थे उनका अध्ययन किया था। आज हम इस तृतीय वीडियो के माध्यम से पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य और उनके प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य प्रस्तुत पाठ के देखते हैं। पहला प्रश्न पहर जो आपका मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा का नंबर है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें 2 आपके उत्तर दिए हुए हैं। इन्हीं 2 उत्तरों में 1 उत्तर सही है, उस सही उत्तर को रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा की लिपि को कहते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि को कहते हैं रोमन, देवनागरी। तो यहाँ पर पाठ में आपको बताया गया था कि ध्वनि चिन्हों के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन बताई गई थी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो अतः इसका सही उत्तर रोमन होगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि विस्तृत भूभाग के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम भाषा का नाम देते हैं, और एक सीमित क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम बोली का रूप देते हैं। तो यहाँ पर भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में टिक कर दिया है और स्क्रीन में आपको रिक्त स्थान में दिखाई भी दे रहा होगा भरा हुआ। तीसरा प्रश्न है, परस्पर बातें करते समय भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भरना था मौखिक और लिखित, तो इसका सही उत्तर मौखिक होगा, क्योंकि हम मुख के द्वारा बोलकर जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। चौथा, व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण के अंगों में आपको बताया गया था कि व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, वो शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। तो व्याकरण के अंतर्गत हम वाक्यों पर विचार करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर वाक्य विचार होगा। अंतिम और 5वां प्रश्न, भाषा के नियमों की व्याख्या के अंतर्गत की जाती है, बोली, व्याकरण। तो यहाँ पर बताया गया था कि भाषा को नियमावली के तहत व्याकरण के द्वारा किया जाता है, अर्थात नियमों के द्वारा भाषा को शुद्ध परिमार्जित किया जाता है। अतः यहाँ का उत्तर व्याकरण सही होगा। इस प्रकार आपने अभी
रिक्त स्थानों की पूर्ति की। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसको स्क्रीनशॉट करके छात्र अपनी कॉपी पर लिख लें और इन्हें भली भांति याद करें। दूसरा खा नंबर, सही कथन पर सही का टिक करना है। सही कथन पर सही का टिक करें और जो कथन गलत हैं उन्हें गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। तो हर व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है, इसलिए यह प्रश्न सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाया जाएगा। दूसरा है, हिंदी भाषा की केवल दो बोलियां हैं। हिंदी भाषा की केवल दो बोलियां हैं। तो बोलियां एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली को कहते हैं और बोलियां कोई सीमित नहीं होती हैं, इसलिए यह प्रश्न गलत है, इस पर गलत का निशान लगाया जाएगा। तीसरा है, अवधि मैथिली बुंदेली बोलियां हैं। तो ये बोलियां हैं जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इसलिए इसका उत्तर बोलियां सही होगा, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। हिंदी तथा अंग्रेजी की लिपियां समान हैं। तो आपको पाठ के अंतर्गत बताया गया था कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो ये समान नहीं है, इसलिए इसका उत्तर गलत है और इस पर गलत का निशान लगाया जाएगा। पांचवा, भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो बिल्कुल सही है, बोली एक निश्चित भूभाग के लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसका उत्तर सही है और हम सही का निशान लगाएंगे इस पर। इस प्रकार आपके अभ्यास कार्य के अंत दो प्रश्न पूर्ण हुए। अब तीसरा और गा प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न दिया है, प्रश्न के तीन विकल्प दिए हैं, तीन में से कोई एक विकल्प सही है और उस सही विकल्प को हमें टिक करना है और रिक्त स्थान पे भरना है। तो पहला है, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति धातु से हुई है। आ नंबर में भास, भास और बोली, ये तीन विकल्प दिए हैं। इन तीन विकल्पों में एक विकल्प सही है, आ नंबर भास इसका सही उत्तर होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दूसरा है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ तीन विकल्प में गुरुमुखी, देवनागरी और रोमन दिया गया है, जिसका सही उत्तर देवनागरी है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इस प्रकार ये दो प्रश्न हुए। आगे देखें, तीसरा है, हमारी राजभाषा है। तो हमारी राजभाषा देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, ये तीन विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर हिंदी होगा। चौथा प्रश्न, हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा के बारे में बताया गया था कि बालक जो भी भाषा अपनी माता से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं,
और हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए इसका सही विकल्प हिंदी होगा। पांचवा, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, तो यहाँ विकल्प में देवनागरी, रोमन और फारसी दिए हुए थे, जिसमें फारसी उर्दू की लिपि होती है, इसलिए इसका सही उत्तर फारसी होगा। इस प्रकार आपका ये रिक्त स्थान भी पूर्ण किए गए। छात्रों से अपेक्षा है कि इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखें और उन्हें अच्छी प्रकार से याद करें। जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हों, वह व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्यात्मक प्रश्न पूछकर विषयाध्यापक से उस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। अतः जो भी परेशानी उत्पन्न हो, उसको मैसेज के द्वारा ग्रुप में जरूर प्रेषित करें, ताकि संबंधित विषयाध्यापक, संबंधित टीचर उस समस्या को दूर कर सके। आगे अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है, कॉपी पर लिखना है और इन्हें याद करना है। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? तो पाठ के अंतर्गत बताया गया था कि मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने मन के विचारों को प्रदान करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, वह भाषा कहलाती है। तो इसका उत्तर के रूप में लिखें, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। आपके स्क्रीन में प्रश्न का उत्तर लिखा दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। एक बार पुनः उत्तर सुन लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? तो भाषा की उपयोगिता सर्वविदित है। यदि हम अपने भावों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए, वैचारिक आदान प्रदान हेतु भाषा की आवश्यकता मनुष्य को हुई। वैचारिक आदान प्रदान हेतु भाषा की आवश्यकता मनुष्य को हुई। इस प्रकार दो प्रश्न पूर्ण हुए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के अंतर्गत आपने जाना था, समझा था कि भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसको हम मुख से बोलकर और दूसरे कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जिसे हम लिखकर और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार
आपने मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों का अध्ययन किया हुआ है और दोनों के बारे में आप लिखकर इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न, बोली किसे कहते हैं? बोली तथा लिपि किसे कहते हैं? तो बोली के बारे में बताया था कि सीमित क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र पर बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और लिपि की परिभाषा लिखते हुए कि ऐसे ध्वनि चिन्हों जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं, ऐसे ध्वनि चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार ये चार प्रश्न आपके पूर्ण हुए। अंतिम प्रश्न पांचवा, व्याकरण का अध्ययन क्यों किया जाता है? इसके अंगों को स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरण का अध्ययन आपको पाठ में बताया गया था कि भाषा का शुद्ध रूप पढ़ना लिखना और समझना जिस ज्ञान के द्वारा हमें आता है वह व्याकरण कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना और समझना आता है। तो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने व समझने पढ़ने के लिए व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। व्याकरण के अंगों में मुख्य रूप से वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होते हैं। व्याकरण के तीन प्रमुख अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार ये आपके प्रश्नोत्तर संपन्न हुए। प्रश्नोत्तर पूर्ण होने के उपरांत छात्रों से अपेक्षा है कि निम्न प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर उन्हें याद करें और उन्हें समझें। उसमें जो भी आपको समस्या उत्पन्न हो रही है वो संदेश के द्वारा अवश्य बताएं। आगे निम्नलिखित वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उदाहरण के रूप में पूछा गया है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला है, दुकानदार द्वारा ग्राहक को वस्तु की विशेषता बताना। तो दुकानदार ग्राहक को वस्तु की विशेषता समझा रहा होता है तो वह किस भाषा का प्रयोग करता है? तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है क्योंकि वह वार्तालाप करते हुए ही वस्तु को समझा सकता है या ग्राहक को समझा सकता है। दूसरा है, बालक द्वारा प्रश्न का उत्तर लिखना। तो बालक द्वारा प्रश्न का उत्तर लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है क्योंकि जो चीज़ हम लिखकर और पढ़कर समझते हैं वह लिखित भाषा कहलाते हैं। तीसरा है, दादी माँ द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना। तो दादी माँ बच्चों को कहानी मौखिक रूप से सुनाती है अतः यह मौखिक भाषा का उदाहरण होगा। नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना फिर यह लिखित भाषा का उदाहरण है क्योंकि हम प्रार्थना पत्र को लिखकर ही प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखित भाषा
सही उत्तर होगा। समाचार पत्र पढ़ना, तो पढ़ना भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है, अतः यहाँ सही उत्तर लिखित भाषा होगा। इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। प्रथम पाठ का 3 वीडियो के माध्यम से आपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक का 1 अध्याय पूर्ण किया, जिसके अंतर्गत भाषा, भाषा के रूप, बोली, लिपि, व्याकरण, व्याकरण का संबंध और व्याकरण के अंगों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अभ्यास कार्य और क्वेश्चन आंसर संपन्न हुए। अतः छात्रों से क्रय कार्य के रूप में पाठ के प्रश्नों को नोटबुक में लिखें और उन प्रश्नोत्तरों को लिखकर मैसेज के माध्यम से ग्रुप में सेंड करें फोटो, ताकि शिक्षक देख सकें कि छात्र अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, और इन प्रश्नों को भली भांति याद करें। धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।